What's good, every Blaster Rap? So you might be wondering who these guys are. Well, these are just versions of Arijit Bhattacharjee doing what he does in his everyday life. जी हाँ, कोई वीडियो बना रहे, कोई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे, कोई बैठ के फोन चला रहे, हाँ. और तुम्हें एक चीज पता नहीं है, तुम्हें एक चीज पता नहीं है कि इनमें से एक्चुअल में अरिजीत भट्टाचार्जी कौन है, like who is the one who runs this shit? वो तुम्हें पता नहीं है, नहीं है ना पता? नहीं है. What's good everybody, my name is Arijit Bhattacharjee, welcome to the channel. So, तुमने देखा होगा कि तुम्हारे बहुत सारे favorite YouTubers अपने videos को कभी कभार खुद को clone कर, अपने videos में कभी कभार खुद को clone करते हैं. मैंने आशीष चंचलानी को बहुत बार करते हुए देखा है. कुछ दिनों पहले मैं थकेश की एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने खुद को क्लोन किया था. Bro, क्या हुआ? मैं बहुत बोर हो जा रहा हूँ यार क्लास करते करते. What to do when online classes get boring वाला वीडियो देखने में ना अच्छा है, मतलब हाँ सही में अच्छा है. हाँ, मैं इधर के लिंक कर दूंगा. ठीक, तो सुन ना, तो क्या गियर यूज करता है पता नहीं यार. मैं बोल रहा था सारे गियर जो मैं यूज करता हूँ, हर एक गियर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, तू अमेजोन से जाके खरीद सकता है. हाँ ठीक भाई, प्लीज काम करो प्लीज. हाँ जी, हाँ. सो मुझे पहले लगता था कि ये तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा, बहुत ही ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगा, बहुत ही बड़ा एक वर्क फोर्स चाहिए होगा इसको एडिट करने के लिए. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स इजी. यस इट इज. और मैं अभी तुम्हें वही जो तुम इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्लिप देखा तुमने, उसी को मैं एडिट करके उसका वर्क फोर्स तुम्हें दिखाने वाला हूँ, उससे तुम समझ जाओगे. हाँ, और देखो दोस्त, परफेक्ट नहीं होने वाला, परफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ये बेसिकली डिपेंड करता है शूट तुम कैसे करते हो, लाइटिंग कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि मैं अभी बस रूम के लाइट्स में और धूप के ऊपर डिपेंडेंट हूँ. सो परफेक्ट नहीं होने वाला. हाँ, मैं अपना रिंग लाइट लाया नहीं हूँ. हाँ, सो बट तुम समझ जाओगे. हाँ, वर्क फ्लो समझ जाओगे, फिर तुम खुद कर पाओगे. सो हम देख लेते हैं दोस्त की इसकी एडिटिंग कैसे करते हैं, क्लोन कैसे बनाते हैं खुद की. तो पूरा एडिटिंग वर्क फ्लो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ. मैं फिलहाल फाइनल कट प्रो यूज़ कर रहा हूँ. तुम कोई भी और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो प्रोसेस प्रीटी मच सेम ही होगा. हाँ, बस इंटरफेस अलग होगा शायद. तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे फुटेज में दो क्लोन थे और मैं और एक मैं था. हाँ, मतलब तीन ही क्लोन थे, सॉरी. सो तीन जन था. हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, तीन अलग अलग जगहों पर बैठ के पहले शूट करने वो वाला. देखो, ये मेरा पहला वाला क्लिप, ठीक है, और ये दूसरा, ये तीसरा. ठीक है, अलग अलग जगहों पर बैठ के मैंने शूट किया. फिर जो प्राइमरी क्लिप है मेरा, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं टाइमलाइन पे ड्रैग करूँगा. तुम कोई भी एक नया इवेंट या प्रोजेक्ट बना के इधर इंपोर्ट कर लोगे वीडियो को, कमांड आई, या अगर तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल आई प्रेस करके इंपोर्ट कर सकते हो. फिर तो मेरा प्राइमरी क्लिप मैं उठा के इधर रख रहा हूँ. फिर जो दूसरा क्लिप है, जो सेकेंड क्लिप, मान लो इसे मैं सेकेंड क्लिप बनाता हूँ. हाँ, तो इसे मैं उठा के इसके ऊपर रखूँगा, एकदम ऊपर, साइड में नहीं, ऊपर. हाँ, अब देखो, मैंने इधर शुरू में मेरा पॉज है. हाँ, दोनों वीडियो में देखो. और इधर उधर सेकेंड क्लिप में वो बोल रहा है ऑनलाइन क्लास चल रहा है. हाँ, तो इसे मुझे एग्जैक्टली इसको ऊपर रखना है. हाँ, ये जो वेवफॉर्म देख रहे हो ना, जहाँ पे ये वेवफॉर्म ऊपर उठा है. हाँ, जहाँ पे ये बोल रहा है कि ओए ऑनलाइन क्लास चल रहा है. और इधर यहाँ जहाँ जो प्राइमरी क्लिप का बंदा है, वो जहाँ बोल रहा है कि व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, इसे इसका एकदम ऊपर रखना है. हाँ, क्योंकि ये इसको इंटरप्ट कर रहा है. अगर तुम वीडियो फिर से चला के देखो, तो जब ये बोल रहा है कि व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, फिर ये बोल रहा है ओए ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो बेसिकली चुप होने बोल रहा है. तो इसको इसके ऊपर रखना है. अब तुम्हें क्या करना है, एफएक्स में आ जाना है. एफसीपीएक्स में इधर तुम्हें एफएक्स का प्रीसेट मिल जाएगा. एफएक्स में आके मास्क में आ जाओ. हाँ, मास्क में आके ड्रॉ मास्क में आओ. ठीक है, अब ड्रॉ मास्क ड्रैग करके तुम सेकेंडरी क्लिप के ऊपर रखना. हाँ, जिसमें मैं साइड में बैठा हूँ उसके ऊपर. अब इधर आएगा क्लिक टू ऐड अ कंट्रोल पॉइंट. हाँ, फिर तुम्हारा कर्सर कुछ ऐसा दिखने लगे. हाँ, ब्लेड नहीं, इसे क्या बोलते हो. हाँ, तो जो भी है कंट्रोल पॉइंट, अब तुम्हें मार्क करना. कंट्रोल पॉइंट ऐसे मार्क करते, देखो ऐसे. ठीक है, तो ऐसे तुम्हें पूरा सराउंड करके मार्क करना है जो तुम फिगर लेना चाहते हो. ठीक है, तो यहाँ मार्क करते हैं. ठीक, इसको खत्म करना है. अब एंटर प्रेस करो, अब वो मास्क हो जाएगा. बहुत ही घटिया लग रहा है ये मास्किंग,
अभी से तुम ड्रैग करके ठीक कर सकते हो। हाँ देखो ऐसे अब ये पूरा एरिया मैं सेकेंडरी क्लिप चलूँगा ये लेफ्ट साइड का, इसे तुम ड्रैग करके ऊपर उठा सकते हो। और जी हाँ थोड़ा इंटेंसिव है हाँ ये टास्क, मतलब ओवर हीट हो सकता है तुम्हारा सिस्टम, मतलब मेरा जैसा अभी फैन बहुत ही जोर से चल रहा है तो ठीक है थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखो अब क्या करना है ना, अब ये अगर तुम ऐसे एंटर फिर प्रेस करो तो हार्ट कट्स रह जाता है, अभी से मैं अगर प्ले करूँ हार्ट कट्स रह जाता है पूरा नज़र आता है। तो क्या करना है इधर ड्रॉ मास्क में आके, हाँ ये इंश्योर करना कि ये ड्रॉ मास्क टिक्ड है, हाँ चेक्ड है। तो ये फिर इधर आके इंस्पेक्टर में आके ड्रॉ मास्क में आके तुम फेदर में पॉज कर देते हो, फेदर को बड़ा घटा सकते हो। हाँ फेदर से क्या होता है थोड़ा मतलब स्मूथ हो जाता है वो, मतलब ट्रांजिशन, मतलब वो जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा मतलब वो हो जाता है, मतलब उतना उतना डिस्टिंक्ट नहीं रहता। ठीक है तो देखो अब थोड़ा डिफरेंस होगा, अब मैं अगर फिर से प्ले करूँ ठीक है, तब तुम देख रहे हो कि ये हाथ कट जा रहा है इधर एसी वाला। हाँ तब इसे कैसे ठीक करें, तो हम सेकेंडरी क्लिप पे क्लिक करते हैं। हाँ फिर इंस्पेक्टर में आके नीचे आके ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, हाँ ट्रांसफॉर्म में इधर एंकर में आ जाओ एक्स एक्सिस में, हाँ एक्स एक्सिस में आके इसको बढ़ाते रहो। इससे क्या होगा ये जो दूसरा क्लिप का अरिजीत है वो दूर हटते जाएगा, जितना दूर हटेगा उतना तुम इसको कंट्रोल पॉइंट को हटा सकते हो ताकि इस फिगर का जो प्राइमरी क्लिप का अरिजीत है उसका हाथ ठीक से आए। हाँ तो इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, हाँ क्योंकि एसी वाला पोर्शन भी ठीक नहीं लग रहा, तो इधर बढ़ाता हूँ और ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है ना, तो इधर फिर से वाई एक्सिस को बढ़ाता हूँ, सॉरी घटाना होगा सॉरी। हाँ अब देखो एसी लगभग लेवल पे आ गए हैं, ठीक है थोड़ा सा लगभग आ गया। हाँ तो बस अब इसे फिर से प्ले करते हैं हम लोग। देखिए अब बहुत ही कम समझ आ रहा है वो ट्रांजिशन, देखिए अब बहुत ही स्मूथ लग रहा है ना। अब ये उतना परफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि इधर देखो क्या क्या लाइट्स मैंने यूज़ किया, मेरे लाइट्स है खाली रूम के लाइट्स और ये जो बाहर का सनलाइट आ रहा है। हाँ अब ऐसे जो लोग करते हैं ना जो मतलब खुद को क्लोन करते हैं वीडियोस में, उधर मतलब लाइटिंग सबसे मेन चीज़ है। हाँ जब तुम शूट करते हो जब तुम फिल्म करते हो हाँ लाइटिंग का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और बेसिकली सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता क्योंकि सनलाइट चेंज होता रहता है। हाँ ओवर द डे इट कीप्स चेंजिंग ओके, तो क्योंकि सन अपना पोजिशन बदलते रहता है वो तुम्हें पता ही है। ठीक है तो ये फिर भी अभी मतलब इसमें कर रहे तो परफेक्ट नहीं आएगा दोस्त, हाँ कलर में भी नहीं आएगा क्योंकि देखो इसमें तो फिर भी आ रहा है, जो तीसरा क्लिप है उसका कलर थोड़ा डिम है, एक्सपोजर उतना ठीक नहीं है, और क्योंकि मैं खुद ही शूट करता हूँ और खुद ही फिल्म करता हूँ तो एक्सपोजर भी खुद ही सेट करता हूँ जा के आके उठ के आके, तो थोड़ा सा मतलब हाँ बट ठीक है तुम वर्क फ्लो समझ रहे हो और ये ठीक ही लग रहा है करीब करीब। हाँ ये थोड़ा हार्ड कट लग रहा है इस एरिया पर, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और ये फेदर थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि समझ ना आए वो डिफरेंस। हाँ अब देखिए घटिया लग रहा है देखिए अब ठीक आएगा। हाँ अब क्या करते हैं ये हो गया सेकंड क्लिप, अब तीसरा क्लिप को ऐड करना है, तीसरा क्लिप आराम से होगा हाँ क्योंकि ये दूर है बंदा बैठा। देखिए अब तीसरा क्लिप में एक एरिया है जहाँ पे अरिजीत इस लेफ्ट वाले अरिजीत को देख रहा है जब वो बोल रहा है कि ओए ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हाँ अब वो एरिया मुझे ढूंढना है यहाँ पे वो घूम के देख रहा है, तो मैं इधर स्लाइड करूँगा या स्क्रोल करूँगा, स्क्रोल नहीं इधर मार्कर को लेके, तो वो कहाँ है शायद इधर कहीं होगा, ये देखिए इधर है। हाँ तब क्या करते हैं ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ क्योंकि इधर कुछ है नहीं, मैं प्राइमरी क्लिप में बात यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, इधर कुछ है नहीं तो यहाँ लाता हूँ मैं इसको। ठीक है और अब इसे यहाँ लाता हूँ एकदम इनके ऊपर। हाँ क्योंकि देखो इधर पहला वाला अरिजीत प्राइमरी क्लिप वाला अरिजीत बोल रहा है वर्ड्स गुड एवरीबॉडी, फिर ये उसको बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हाँ मतलब बेसिकली चुप होने बोल रहा है, तभी ये बंदा तीसरा क्लिप में जो अरिजीत है वो घूम के दूसरे वाले अरिजीत लेफ्ट वाले अरिजीत को देख रहा है। तो ये क्लिप करीबन यहाँ होगा। ठीक है अब फिर से तुम ड्रॉ मास्क ला के इधर ड्रैग करो, अब फिर से आएगा क्लिक टू ऐड अ कंट्रोल पॉइंट, तो फिर से कंट्रोल। अब इसमें मेन मुश्किल है सनलाइट, हाँ देखो इसमें थोड़ा डिम है क्लिप, बाकी में देखना तो बाकी दो क्लिप्स में एक्सपोजर करीबन सेम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो ये थोड़ा है मामला, बट तुम अगर लट्स यूज़ कर सकते हो फिर भी हाँ थोड़ा बेटर करने के लिए, फिर सैचुरेशन एक्सपोजर में तुम मेरे सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हो कुछ कुछ, तो ये मैं
देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर में डिफरेंस हो जा रहा है तीनों में, तो इसमें इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते हैं ताकि वो डिफरेंस इतना भी मतलब समझ ना आए, है ना। इसमें ये पीओ उसको ले ही लेते हैं, छोड़ देते ले ही लेते हैं उसको, फिर हो सके नहीं इसको छोड़ देते क्योंकि ये बंदा अगर इधर हटा तो मुश्किल हो सकती है। इसको अंदर लाते हैं, ये तो अगर तुम कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना लाइटिंग कैसे, नहीं तो यही प्रॉब्लम होगा तुम्हें, ठीक है। तो प्रोसेस इजी है, इंटेंसिव है बट मुश्किल नहीं, इसे रहने देते हैं। फिर अगर मैं प्ले करूँ सॉरी, इसमें तो मैंने फेदर फेदर में कुछ चेंजेस ही नहीं किया इसलिए इतना हार्ड कट नज़र आ रहा है। तो इधर फेदर में आके इसे बढ़ा देना, और ज़्यादा मत बढ़ाना नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें आई गेस बढ़ाना जायज़ है क्योंकि इधर लाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है ज़्यादा। तो ऐसे रखता हूँ, रहने देता हूँ। फिर इसमें जाके तो तुम इधर भी चेंजेस कर सकते हो, इधर आके एक्सपोजर और क्या ठीक ही लग रहा है क्योंकि देखो इधर मेरा खिड़की है, इधर मतलब इस कर्टन के बगल में तो सनरेज आ रहा है, इसको मार रहा है, ये कोने में बैठा है तो मतलब बुरा नहीं लग रहा। फिर भी मैं आगे इधर थोड़ा सैचुरेशन में अगर बढ़ा दूँ, सैचुरेशन फिर एक्सपोजर में थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, सही लग रहा है ना, बस ऐसे रहने देते हैं। हाँ अब देखते हैं फिर, सॉरी ब्रो थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि बहुत ही इंटेंसिव टास्क है और थोड़ा मतलब दबाव पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर। थोड़ा हैंग कर रहा है, लैग खा रहा है वीडियो। तो इसमें फेदर सेकेंड वाले में फेदर कुछ ज़्यादा लग रहा है ना क्योंकि इसके इसको तो मैंने दूर कर दिया, तो अभी फेदर थोड़ा फेदर उतना हाई नहीं रखना है, देख लेते फिर से। कंट्रोल पॉइंट को बढ़ा ही देते हैं, जगह है जगह बनाया हम लोग ने, जगह था थोड़ा सा एसी में फिर से प्ले करते हैं। तो काफी ठीक ही लग रहा है ना, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका लाइटिंग उतना मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि ये कोने में बैठा है और सनरेज आके इन दोनों को मार रहा है, मतलब बेसिकली इसको मार रहा है उसको भी क्योंकि इस पे भी आ रहा है और ये कोने में बैठा है। देखो तो बन गया बस, अब और क्या हो गया वीडियो। अब देखो लास्ट में, हाँ मैं इधर हंस रहा था पीछे घूम के, तो इधर हाँ देखो इधर घूम के हंस रहा था, हाँ अब मैं इधर हंस रहा हूँ तो ये बंदा इसको देख के हंस रहा है। अब ये मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, तो मैंने इधर रिएक्शन दिया था जो इसके एंड में देखो इधर हंस रहा था। तो इसे क्या कर सकते, इसे थोड़ा सा मतलब इधर से फास्ट रहा क्योंकि उधर कुछ एक्टिविटी किया नहीं खास मैंने, उधर काटूंगा तो इसमें थोड़ा सा स्पीड में चेंज करना होगा। तो इधर आ जाना, ठीक है कस्टम में आ जाओ, फिर इसे आगे करते रहो। अब एक चीज़ तुम नोटिस करना कि इसे तुम आगे करते हो उसके साथ साथ ये भी इसका आगे चला जा रहा है, ये वे फॉर्म जहाँ पे वो बोल रहा है कि वो ऑनलाइन कैसे चल रहा है, तो इसे थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देना बस, नहीं तो हाँ सामने से थोड़ा काट देना बस, ये सब चीज़ ये सामने से थोड़ा काट देना वीडियो को और इसे हम इधर रखते हैं। अब बेसिकली वो दोनों मतलब दोनों हंस रहे हैं साथ साथ, देखो देखो अब वो घूमेगा देखो, ठीक है परफेक्ट नहीं है, अब थोड़ा सा और स्पीड में चेंज करते हैं, प्ले करते हैं, प्ले होगा रुको प्ले होगा, स्लो हो रहा है क्योंकि देखो ये थोड़ा सा और स्पीड में चेंज करना है क्योंकि ये थोड़ा बाद में हंस रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं इसको, मेक श्योर करता हूँ कि ये यहाँ है, अब देखते हैं स्माइल दोनों का बराबर हो रहा है कि नहीं, इसमें क्लिक करते हैं अभी कंट्रोल पॉइंट्स में दिखे, देखा प्रीटी मच सही हो जाएगा, हो जाना चाहिए। देखो बस हो गया, अब कंप्लीट वीडियो भी देख लो फिर से एक बार।
last good every last good rap. So you might be wondering who these guys are. Well, these are just versions of Arijit Bhattacharjee doing what he does in his everyday life. जी हाँ, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोई बैठ फोन चला रहे हैं। तो तुम्हें एक चीज पता नहीं, कि इनमें से एक्चुअल में अरिजीत भट्टाचार्य कौन है? Like who is the one who runs this shit? वो तुम्हें पता नहीं है? नहीं है ना पता?